गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। ये एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग नहीं किए थे लास्ट क्लास, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। चलो आप लोग भी निकाल लो बुक। एक्सरसाइज आपका कौन सा है? 2.3। ये आपका एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे। राकेश अर्न्स 85,425 पर मंथ। राकेश एक महीने में कितने पैसे कमाता है? तो 85,425 पर मंथ, मतलब एक महीने में। हाउ मच विल ही अर्न इन 2 ईयर्स? तो क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि वो 2 साल में कितने पैसे कमाएगा। एक महीने में उसकी सैलरी इतनी है, तो 2 साल में बोला जा रहा है। आप लोग सब जानते होंगे कि एक साल में कितने महीने होते हैं। देखो यहाँ हिंट भी किया हुआ है आपको, एक साल में 12 महीने, तो 2 साल में, बोलो 2 साल में आपके 24 महीने हो जाएंगे। एक महीने में जब इतना है, तो 24 महीने में या 2 साल में वो कितना कमाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। देखो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। राकेश अर्न्स इन 1 मंथ, एक मंथ में उसकी कमाई इतनी थी। ही अर्न्स इन 24 मंथ्स या 2 ईयर्स, आप 24 मंथ्स या 2 ईयर्स दोनों लिख सकते हो। यहाँ पे इसको हमने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वहाँ 1 मंथ का था, यहाँ 24 मंथ, इंटू कर दिया, ये उसका आंसर आ गया 20,50,200। इतना वो 2 मंथ्स में या 2 ईयर्स में अर्न करेगा। चलो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अ ट्रक कैन कैरी 450 वेट बैग्स। वेट सबको पता होगा, गेहूँ, गेहूँ की बोरी। एक ट्रक जो है 450 गेहूँ की बोरी कैरी करता है। इफ़ देयर वेयर 212 ट्रक्स, यहाँ एक ट्रक को बोला जा रहा है। एक ट्रक जब 450 बोरी को ले जाता है, तो 212 ट्रक कितने बोरी को कैरी करेगा, ये बोला जा रहा है। इफ़ देयर वेयर 212 ट्रक्स, हाउ मेनी बैग्स, वो भी वेट बैग्स बोला जा रहा है कि कितने बैग्स को कैरी करेगा। चलो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अ ट्रक कैन कैरी 450 वेट बैग्स, ठीक है, एंड 212 ट्रक कैन कैरी, एक ट्रक जब इतना कैरी करता है तो 212 ट्रक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 95,400 वेट बैग्स, इतना हो जाएगा। 212 ट्रक मिला करके इतना गेहूँ की बोरी कैरी की जाती है। चलो हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देयर आर 14,945 स्टूडेंट्स इन अ मेडिकल कॉलेज। किसी मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में आप लोगों को पता होगा डॉक्टर्स की पढ़ाई की जाती है। जिन लोगों को डॉक्टर बनना होता है, वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई अपनी पूरी करते हैं। इतने स्टूडेंट्स हैं मेडिकल कॉलेज में। ईच स्टूडेंट पेज अ फी ऑफ, एक स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट कितना फी पे करता है, वो 3,142 पर मंथ, यानी कि एक महीने में वो एक स्टूडेंट इतना पैसा वहाँ फीस के तौर पर पेमेंट करता है। तो व्हाट अमाउंट इज कलेक्टेड बाय द कॉलेज पर मंथ, तो कॉलेज सभी स्टूडेंट्स को मिला करके कितने पैसे एक महीने में कलेक्ट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ मेडिकल कॉलेज कितना था, टोटल नंबर स्टूडेंट्स इतना आप लोगों ने देखा, बुक में भी था। ई स्टूडेंट पेज, एक स्टूडेंट कितना पे करता है, 3,142 पर मंथ, ये आपका पर का साइन है, एक महीने में इतना। तो अमाउंट इज कलेक्टेड बाय द कॉलेज, तो अमाउंट जो है कॉलेज के द्वारा जो कलेक्ट किया जाता है पर मंथ, ये भी पर यानी कि एक महीने में इतने स्टूडेंट्स को मिला करके, तो हम सब हमने क्या किया, उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हो गया आपका ये क्वेश्चन, आप लोग देख लो। ये क्वेश्चन था आपका 8-19 एक्सरसाइज 2.3 का, जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस था जो बच गया था। अब ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, आप लोग इसे कंप्लीट कर लोगे और मुझे बताओगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।